हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी से बना हुआ बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता, जिसे आप इंस्टेंट बना सकते हैं। जब आपके मेहमान घर पे आए तब भी आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए कितना क्रिस्पी है, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, सूजी से बना हुआ है इसलिए बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कप पानी एक कढ़ाई में बॉईल करने के लिए रखेंगे, और उसके अंदर हम 1/2 चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। साथ में ही यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाते हैं वो ऑयल यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें बॉयल आ चुका है, यहाँ पे 1 कप सूजी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। सूजी को फटाफट से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए पकाएंगे। हाई फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे तो एकदम से गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम करके आप पकाएं। तो ये देखिए थोड़ी देर में हमारी सूजी पक के रेडी हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट के अंदर आपकी सूजी इस तरह से थिक हो जाएगी, और इसके बाद भी आपको इसे थोड़ी देर और पकाना है चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे और थिक करना है। थोड़ा सा चलाते रहेंगे इसको इसी तरह से। तो बस ये हमारी सूजी जो है एक जैसी होने लगी है। तो बस इसी तरह से जब आपकी सूजी होने लगे तो आप इसको फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा कर लें। ये हमारी सूजी का डो रेडी हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बड़े बर्तन में और ठंडा कर लेते हैं। इस तरह से इसको फैला देंगे, एक स्पैटुला की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से आप इसे इस तरह से फैला दें, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी, हाथ से आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो हल्का सा ठंडा होगा तब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा के हाथों पे और इसको फिर इस तरह से हाथों से मसल लेंगे, जिससे ये और चिकना हो जाएगा और अच्छी तरह से, जैसे रोटी का डो बनता है बिल्कुल उसी तरह का हो जाएगा ये। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे गूंद रही हूँ, जैसे आटा गूंदते हैं। तो बस ये हमारा डो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, नींबू के साइज़ की छोटी छोटी लोइयां हम बना लेंगे। राउंड शेप में बना के हम पहले से रख लेंगे इनको। तो इस तरह से आप नींबू के साइज़ की बनाएं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आपको। तो ये मैंने सारी बॉल्स इस तरह से बना के रख ली हैं। अब हम 2 आलू लेंगे मीडियम साइज़ के और इनको ग्रेट कर लेंगे। तो जो कद्दूकस होता है, ग्रेटर होता है, उसके मोटे साइड से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, और उसमें डालते हैं हम 1/2 चम्मच जीरा, पिंच ऑफ हींग, हींग डालेंगे 1 चुटकी। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब इसमें डालते हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को कर लेते हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे इसे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा प्याज भी रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 2 हरी मिर्च यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ये ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। आलू को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक हमने ऐड किया है, नमक हमने ऑलरेडी डो में डाला है। 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए, और ये है चाट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच के करीब ही गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलाते हुए अच्छी तरह से आलू में इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे पका लेते हैं, जिससे आलू हमारे थोड़े से पक जाएंगे। तो ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
अब हमने जो लोइयाँ बना के रखी थी उनको हम बेलेंगे। तो बेलने से पहले हम बेलन पे और चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे हमारी लोइयाँ चिपके ना और अच्छी तरह से बेलने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए, हमें इसे बेलना है, पतला पतला बेलना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। एक और बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम ये दो लोइयाँ एक साथ बेल लेंगे, पूरी के साइज़ का हम इसे बना लेंगे। ये देखिए, आसानी से हम बेल सकते हैं इसे। मेरे पास हार्ट शेप की कुकी कटर है, मैं उससे इसे कट करूँगी। तो मैं एक साथ इनको दोनों को कट कर लेती हूँ। आप अलग अलग भी कट कर सकते हैं इस तरह से। या आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी बॉटल का ढक्कन या कोई बड़े साइज़ का बर्तन ले, गिलास कटोरी, उससे इस तरह से आप एक एक करके काट सकते हैं या एक साथ काट सकते हैं, या आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं आपको ये ग्लास से कट करके दिखा रही हूँ, इस तरह से कट करना है। और फिलिंग कैसे भरनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो हमने जो हार्ट शेप के बनाए थे उसमें भी इसी तरह से फिलिंग आपको भरनी है। एक लेना है आपको इस तरह से, और उस पर आपको पानी लगाना है, उसके साइड्स में पानी लगाना है, बीच में पानी नहीं लगाना है। और उसके बाद जो दूसरा हमने बेला है, कट किया है, उसको हम ऊपर रखेंगे इसके। इस तरह से ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे फिलिंग थोड़ी सी फैल जाएगी और इसको आसानी से आप इसके साइड्स को आप इस तरह से क्लोज़ कर पाएंगे। अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए आप क्लोज़ कर दें बिल्कुल। ऊपर से थोड़ा सा आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं, जिससे फिलिंग जो है फैल जाएगी और आपको आसानी होगी इसे अच्छी तरह से बंद करने में। तो इसे अच्छी तरह से हमने बंद कर लिया है। आप हाथों से भी थोड़ा सा दबाते हुए इस तरह से इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ही मैंने हार्ट शेप के बना लिए हैं। फिलिंग भर के पानी लगा लिया साइड से और उसके बाद हमने फिलिंग भर ली है और फिर उसे क्लोज़ कर दिया है। तो ये मैंने बना के रखे हुए हैं। तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे इस तरह से डालेंगे एक एक करके, जितनी एक बार में आएंगे। तो मैं यहाँ पे तीन एक बार में फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो आप इसे तकरीबन 35-40 सेकेंड्स के बाद पलटने की कोशिश करें, इस तरह से पलट लें। एकदम से आप इसे नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये थोड़ी सी टूट सकती है, फट सकती है। तो बस आप इसको 35-40 सेकेंड्स के बाद ही पलटें। तो ये मैंने पलट लिए हैं और ये देखिए, ये फूलना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपकी लो टू मीडियम पे रहेगी जब आप इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इस पर और बहुत ही क्रिस्पी बन गए हैं ये। अब एक एक करके हम निकाल लेते हैं और बाकी के भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। तो बहुत ही आसान है सूजी से इस तरह से ये घर पे नाश्ता तैयार करना। आप इसे अपने गेस्ट के सामने भी सर्व करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपसे पूछेंगे आपने कैसे बनाया है। तो ये देखिए, मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब मैं इनको सर्व कर लेती हूँ। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए, कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, सूजी से बने हुए हैं इसलिए बहुत ही क्रिस्पी हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से बहुत ही खस्ता बने हैं और क्रिस्पी तो हैं ही ऊपर से, और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।